आज हम एक सफल व्यवसायी को आपके समक्ष ला रहे हैं। उनके लाने का मकसद मेरा यही था, हमारा कमेटी का यही था कि हमारे युवा जो है उनसे प्रेरणा लें। यहाँ इस छोटे से गांव में भी, छोटे से स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़कर भी आदमी कहाँ पहुंच सकता है, ये हम आपको बताएंगे। प्रेम सिंह राणा जी यहीं चढ़ियार में जन्मे और चढ़ियार हाई स्कूल से ही मैट्रिक की, और मैट्रिक करने के बाद मात्र 300 रुपया जेब में डालकर दिल्ली के लिए रवाना हुए, अपनी आगामी जिंदगी को बढ़ाने के लिए कहीं नौकरी की तलाश में। दिल्ली में इन्होंने छोटी छोटी कई नौकरियां की और उन्हीं नौकरी करने के दौरान इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन मन में दलक थी भाई कुछ करके दिखाना है। उसी दौरान इनकी मुलाकात एक विदेशी वेबसाइट से हुई और उन्होंने इनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने इनको प्रेरणा दी कि आप रेडीमेड का काम एक छोटे रूप इकाई के रूप में आरंभ करें। और उन्होंने प्रेम सिंह राणा जी ने वही एक छोटी सी इकाई शुरू की और आज वो इकाई हजारों करोड़ के रूप में दिल्ली में उपस्थित है। इनका बनाया हुआ कपड़ा यूरोप में जाता है। यूरोप में भी कौन दे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, यानी जो सबसे विकसित देश है, उन विकसित देशों की आपको बात बताऊं, वो पॉइंट मिलीमीटर भी कमी नहीं चाहते हैं, क्वालिटी से एक समझौता बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको हैरानी होगी कि इनका कपड़ा सारा जो है, कपड़ा मतलब रेडीमेड, वो भी लेडीज गार्मेंट्स बनाते हैं और वो सारा उन्हीं देशों में जाता है। हिंदुस्तान में, भारत में इनका एक कपड़ा को एक भी पीस नहीं लगता है, सारा उन्हीं देशों में जाता है। आपको ये खुशी होनी चाहिए कि हमारे चढ़ियार से, ये छोटे से गांव से दिल्ली गया हुआ आदमी कहां पहुंच गया। मैं आज के इन युवाओं से अपील करूंगा इनसे प्रेरणा लें। इनको बनाने का मकसद यही था, ये मेरी बात, हमारी बात मान नहीं रहे थे, नहीं जाएंगे इसमें नहीं, मैं नहीं, मैं बच्चों को आगे कर, बच्चों को प्रेरणा देना चाहता हूँ, इस करके आपको जोर आना ही पड़ेगा। तो छोटे छोटे बच्चे ये जो युवा हैं, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि इन स्कूलों में, इन छोटे से गांव से निकला हुआ आज कहाँ पहुंच गया है। इन्होंने अभी हाल ही में उस कपड़े के व्यवसाय के अलावा फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, 125 बेडेड हॉस्पिटल अभी शुरू किया है। उसके उद्घाटन के मौके पर भी मुझे जाने का मौका मिला। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने OPD का उद्घाटन किया और वहीं के MP श्री गुरुड़ी जी, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने IPD का उद्घाटन किया। एक ही दिन में एक मंत्री सुबह आया और दूसरा मंत्री शाम को आया। तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे गांव से, छोटे से गांव से दिल्ली गया वो आदमी, दिल्ली सरकार ने भी अपनी पहचान बनाई है। इसके साथ साथ व्यवसायी के रूप में ये अनेक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, इनको कई बार सम्मानित किया गया है। तो मैं इसी के साथ प्रेम सिंह राणा जी को बुलाना चाहूंगा और साथ में स्वास्थ्य कमेटी भी यहाँ आ जाए सम्मानित करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों बजाएंगे सभी।
और इसके बाद बहुत ही खूबसूरत झांकी, जोरदार तालियां लगाएंगे सभी। बाँ, बाँ।